आज की स्टूडियो में आज की स्टूडियो में मेरे पास ऐसा स्मार्टफोन आया है, ऐसा स्मार्टफोन आया है जिसको पाने के लिए लोग अपनी अपनी किडनी भी बेच देते हैं, यहाँ तक कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक हो, अपनी साइकिल हो, अपना ट्रक हो, अपना ट्रैक्टर, सब कुछ बेच देते हैं। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है मार्केट में जिसको लेने के लिए लोग इतना बहुत कुछ बेच देते हैं। तो गायक यार आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही यार, मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स। आप लोगों ने सही सुना, आईफोन 15 प्रो मैक्स हालांकि 12 सितंबर को आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था, लेकिन हालांकि हमारे पास नहीं है तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करना कोई जरा मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, जिगरा भर होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे जिगरा भरा होने के सब्सक्राइब के साथ क्या ताल्लुक, देखिए गाइस जब आप लोगों का जिगरा भरा होगा तभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, हालांकि जब आप लोगों का जिगरा छोटा होगा तब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अपनी वीडियो में कहते भी रहता हूं यार कि जिगरा भरा होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यार मेरी आप लोगों के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग तो यार मुझे पता है इस चैनल पर मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन यार मेरी आप लोगों के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मेरे वो ब्लॉग वाले चैनल पर भी थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा नहीं हालांकि थोड़ा ज्यादा करना है, लेकिन आप लोग ज्यादा चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा चाहे तो थोड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि यार मैं आजकल पहले भी ब्लॉग अपलोड करता था अपने चैनल पर, लेकिन यार मुझे कोई सपोर्ट और कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिले तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी, हालांकि मुझे टेक्स्ट ज्यादा ब्लॉगिंग पसंद है लेकिन यार कोई सपोर्ट वहाँ पर नहीं, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग छोड़ी। तो आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो मेरा ब्लॉग वाला चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। आईफोन 15 का बॉक्स और आईफोन 15 प्लस का बॉक्स सेम टू सेम ही है, अगर मैं बात करूं दोनों के बॉक्सेस में क्या फर्क है तो वो है यानी आईफोन 15 का जो बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है और आईफोन 15 का जो प्लस का जो बॉक्स है वो थोड़ा सा भरा है, पर फर्क इतना ही है, बाकी सेम टू सेम ही है, पतला सा बॉक्स यानी बॉक्स को देखकर मैं से पता चल रहा है कि इसके बॉक्स में जो है मैं चार्जर देखने को नहीं मिलता, वही 13-14 की तरह हमें इसमें भी जो है चार्जर देखने को नहीं मिलता। बॉक्स में आईफोन 15 प्लस की डिस्प्ले को मेंशन किया गया है और साथ में इसमें जो डायनेमिक एलिमेंट भी हमें देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में आपके लोगों के साथ आगे बातें करूंगा। ये रहा हमारा आईफोन 15 प्लस जिसे मैं साइड में कर देता हूँ। टाइप सी टू टाइप सी हमें इसमें केबल देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन को चार्ज करने के, जो कि हमें ब्रांडेड केबल देखने को मिल जाती है जो कि आईफोन की अभी न्यू केबल आई है, और साथ ही साथ में इसमें जो है हमें कुछ एप्पल का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, एप्पल का व्हाइट कलर का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ में कुछ मैनुअल भी देखने को मिल जाती है जिन्हें मैं साइड में कर देता हूँ। और अब बारी आ चुकी है इसकी डिज़ाइन की, अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो आप लोगों को पता है ना कि आईफोन 15 में जो है इस बार जो है हमें इसका डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके बैक में जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन में जो है हमें इस फिंगरप्रिंट तो इसके में लगेगा ही नहीं, मतलब ये इसका डिज़ाइन जो हालांकि बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत हो भी क्यों नहीं, क्योंकि गए जाए आईफोन 15 प्लस से 15 और 15 प्लस का जो डिज़ाइन है दोनों का सेम टू सेम ही, बस फर्क है तो वो है साइज़ हो, उसका साइज़ छोटा है, उसका साइज़ जो है बड़ा है। आईफोन 15 का जो प्लस में जो कैमरे का डिज़ाइन है, मुझे कैमरे का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गए जा रहे आईफोन 15 प्लस से तो ज़रा कुछ है भी नहीं, 15 और 15 प्लस का डिज़ाइन जो है सेम टू सेम ही, बस फर्क है तो साइज़ में ही फर्क है, बस साइज़ का फर्क है और आईफोन 15 प्लस जो है दबादब बिकना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ इसके बैक में जो है मुझे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, प्रो प्रो मैक्स में ट्रिपल है, इसमें जो है मुझे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। कलर बहुत प्यारा है यार इसका जो कलर है, मुझे कलर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब पसंद आए भी क्यों नहीं, क्योंकि आईफोन वाले जो है अपना कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। अब बारी आ चुकी डिस्प्ले की, अगर मैं इसमें डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें मुझे मिलता है ना सबसे पहले हैरान होने वाली चीज़ है वो है डायनेमिक आइलैंड, इसमें जो है हमें इस बार डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाता है, हालांकि इससे पहले 14 और 14 प्लस में डायनेमिक आइलैंड नहीं था, लेकिन अब ये न्यू आया है आईफोन 15 और 15 प्लस में जो है हमें डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाता है, जो कि 6.7 इंच की सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले में इसमें देखने को मिल जाती है आईफोन की तरफ से। अब प्रो और प्रो मैक्स में जो है ना एलटीपीओ सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले है, और 15 और 15 प्लस में जो है सुपर रेटिना एचडीआर ओएलईडी डिस्प्ले, ये डिस्प्ले सेम टू सेम ही, बस थोड़ा सा फर्क होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, जो कि डिस्प्ले जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ काम करती है और साथ ही साथ में इसकी डिस्प्ले में जो कलर्स हैं कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें मुझे कौन सा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, इसमें मुझे मिलता है A16 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है आईफोन का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हमें फास्ट प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में इसमें यूज़ किए गए iOS 17, एक में डुअल कैमरा सेटअप मुझे इसमें देखने को मिल जाता है, मेन कैमरे
कैमरा की बात करूँ तो मेन कैमरा जो है मुझे इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, उससे छोटा जो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी का तो आप लोगों को वैसे ही पता है यार कि आईफोन 15 और 15 प्लस और 15 प्रो 15 प्रो मैक्स में हमें जो है कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, और DSLR और आईफोन का जो कैमरे में है ज़रा कुछ फर्क नहीं होता, सेम टू सेम ही हमें इसमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा जो है मुझे 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिस पे आप लोगों ने सेल्फी लेनी हो, वीडियो बनानी हो, जो कुछ भी करना हो आप लोग फ्रंट कैमरे से कर सकते हैं, जिसकी भी परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। वन ऑफ द बेस्ट कैमरा जो मैं कह सकता हूँ वो है आईफोन 15 का। इसके अलावा ये स्मार्टफोन जो है वायरलेस चार्जर को भी सपोर्ट करता है। अगर मैं ये बात करूँ इसमें जो मुझे 3.5 मिलीमीटर जैक अवेलेबल देखने को नहीं मिलता आईफोन 15 में। अगर मैं ये बात करूँ मुझे कितने कलर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं तो आईफोन 15 में जो है मुझे 5 कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी जब आप लोग ये स्मार्टफोन बाय करने के लिए जाएंगे तो आप लोगों के पास 5 कलर का ऑप्शन होगा। जो सा कलर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कलर इसमें बाय कर सकते हैं। 5 कलर के साथ इसमें जो मुझे 3 वेरियंट भी अवेलेबल देखने को मिल जाता है। सबसे पहले वेरियंट की बात करूँ सबसे पहले वेरियंट जिसमें मिलता है 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला और वहीं पर 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। 3 वेरियंट का आप लोगों को इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो से वेरियंट आप लोगों को बहुत पसंद है आप लोग अपने मर्जी के मुताबिक इसमें वेरियंट बाय कर सकते हैं। अब आप लोगों के जहन में ये बात आएगी यार हम लोग ये स्मार्टफोन कहाँ से बाय करेंगे यार, उसका सोल्यूशन मेरे पास है ना। मेरे होते हुए आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं, इसके लिए आप लोगों को जाना है द पाक अनबॉक्सर इंस्टाग्राम पर। यानी मेरे डीलर के साथ बात कर लेनी है इंस्टाग्राम पर, मेरे डीलर जो आप लोगों को स्मार्टफोन दे देगा। अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो आप लोग द पाक अनबॉक्सर को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग तो वैसे बाय नहीं करेंगे, मतलब आप लोगों की औकात ही होगी। अगर बाय नहीं करें तो मालूम भी चाहिए तो इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टपाक अनबॉक्सर को इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। आप बारी आ चुकी है प्राइस की। अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की प्राइस की बात करूँ तो पाकिस्तान में जो है मुझे स्मार्टफोन मिलता है ना 4,90,000 का, 4,90,000 का ये स्मार्टफोन मिलता है ना। इससे अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ ना कि इससे अच्छा मैं हैरान गाड़ी क्यों ना ले लूँ। 4 लाख की तो कम से कम मिल तो जाएगी ना, कम से कम यार सेकेंड हैंड नहीं तो थर्ड फोर्थ हैंड ही मिल जाए ना, कम से कहीं भी बहुत बड़ी बात है। इससे अच्छा मैं हैरान गाड़ी ले लूँ जब 5,90,000 का पाकिस्तान में मिल रहा है। और अगर मंडी की बात करूँ डीडी में जो ये स्मार्टफोन जो है मुझे 79,900 का देखने को मिल जाता है। यानी 79,900 कम ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इंडिया में सस्ते रहें पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज्यादा है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बस आज की वीडियो के लिए काफी हमें मिलता है, अगली वीडियो में किसी नीचे अनबॉक्सिंग और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।